YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। बीते दिनों राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गढ़वा जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जातिवाद पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। फिर बाद में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जिसके विरोध में गढ़वा जिले में आज से कांग्रेस पार्टी का धरना शुरू हो गया है। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के वक्ताओं ने राज्य के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। इस दौरान रघुवर दास मुर्दाबाद, रघुवर दास होश में आओ के नारे भी लगाए गए हैं। इस मौके पर विश्रामपुर विधानसभा कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी अजय दुबे ने कहा कि यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। पूरे प्रदेश में कांग्रेस झारखंड सरकार के विफलताओं के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी के लोग धरने पे बैठे हैं। हर प्रखंड में, प्रखंड मुख्यालय पर और जिला मुख्यालय पर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। आज की जो भयावह स्थिति है सरकार में, आधार कार्ड से लिंकिंग की बात है, कहीं लिंक नहीं हो पा रहा है, जहां लिंक हो रहा है वहां लोगों को बायोमेट्रिक करने के बहाने छांट दिया जा रहा है, जहां लोगों को राशन मिल पा रहा है, इसलिए झारखंड में भूख से मौतें हो रही है आए दिनों। हम समझते हैं जिस तरह से डिजिटल इंडिया की बात होती है, तो आज भी हमारा जो देश है ग्रामीणों का देश है और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया की क्या स्थिति है वो आपसे छिपी हुई नहीं है, आप लोग भली भांति जानते हैं। अभी जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने सदन में अमर्यादित भाषा का उपयोग किया और गढ़वा की धरती पे आकर के यहाँ भी जो जाति सूचक उन्होंने प्रयोग किया उसका मैं घोर निंदा करता हूँ और समझता हूँ जब विपक्ष को ही बोलने का मौका नहीं मिलेगा जिस प्रदेश में और जहाँ के जनप्रतिनिधि ही अगर किसी बात को रखते हैं तो उनको अमर्यादित भाषा का उपयोग से दबाया जाएगा, तो वहाँ की जनता की क्या स्थिति होगी आप समझें। इन सब बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम गांव तक जाएंगे और लोगों के बीच बैठ करके उनकी समस्याओं को का निदान करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और सरकार की कारगुजारियों को उन तक पहुँचाएंगे।